श्राप कोई ऐसे ही नहीं दे देता है, कोई किसी को ऐसे ही गाली नहीं देगा जब तक सामने वाला गलती नहीं करेगा। सामने वाला गलती करेगा तभी व्यक्ति को गुस्सा आता है। इधर बताया श्री सूत जी महाराज ने, हे सौनक ऋषियों, जिस समय पांडवों ने सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और जंगल की ओर पांडव द्रौपदी के साथ चले गए। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चले तो घोड़े पर सवार महाराज परीक्षित चले जा रहे हैं और सामने से उन्होंने देखा था कि एक गाय चिल्लाती हुई चली आ रही है। गाय के पीछे से एक बैल और बैल के पीछे से एक काला कुरूप चांडाल मारता हुआ दोनों को भागता हुआ चला आ रहा। तो महाराज परीक्षित ये दृश्य देख करके खड़े हो गए, सोचने लगे ये गाय और ये बैल दोनों चिल्लाते हुए आ रहे हैं, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ, ये चंडाल मुझे मार देगा। महाराज परीक्षित घोड़े से नीचे उतर गए। वो गाय महाराज परीक्षित के पास आकर के खड़ी हो गई, बोली महाराज मुझे से चांडाल से बचा लो, ये नहीं तो ये मुझे मार देगा। परीक्षित महाराज बोले गौ माता से कि माँ ये बताओ ये काला क्रूर चांडाल तुम दोनों को मारता हुआ क्यों आ रहा है, ये कौन हो? तो गाय कहने लगी महाराज परीक्षित से कि महाराज मैं गाय के रूप में पृथ्वी और ये बैल के रूप में धर्म है। गाय के रूप में पृथ्वी थी और बैल के रूप में धर्म थे, और जो काला क्रूर चांडाल था वो कलयुग था। कलयुग उन दोनों को मारता हुआ चला आ रहा था। तो महाराज परीक्षित ने कहा रे चांडाल तुझे ये नहीं पता कि परीक्षित के राज्य में तू गाय के ऊपर अत्याचार करेगा, इस पृथ्वी पर अत्याचार करेगा, धर्म के ऊपर अत्याचार करेगा, ये परीक्षित के राज्य में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव तो अब नहीं है लेकिन पांडवों का अंश आज भी जीवित है, लेकिन परीक्षित के राज्य में ऐसा अत्याचार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित ने तलवार को निकाल लिया उस कलयुग को मारने के लिए। तो कलयुग कहने लगा महाराज मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लो, जितना बुरा आप मुझे समझते हो मैं उतना बुरा नहीं हूं। बोले अच्छा, जब मैंने अपनी आंखों से देखा तू इस गाय को मारता हुआ, इस बैल को यानी धर्म को मारता हुआ चला आ रहा था और मुझे कहता है कि मेरे अंदर भी गुण है, तेरे अंदर गुण कहाँ से हो सकते हैं जो तू एक गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो कलयुग कहने लगा महाराज आपको नहीं पता सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, भजन करते थे, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन
जब से कलयुग आया है यानी मैं आया हूँ तब से बताया श्री सूत जी महाराज ने कि हे शौनक ऋषियों, कलयुग कहने लगा महाराज परीक्षित से कि कलयुग के बल नामो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। अगर दिल से मन से उस नाम को जपा जाए तो गारंटी के साथ एक ना एक दिन भगवान आपके सामने जरूर खड़े हो जाए। एक व्यक्ति ने संत जी से पूछा, महाराज हमें भी बताओ 21 दिन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो संत जी तो बहुत पहुंचे हुए थे, बोले 21 दिन में नहीं, हम तुमको 20 दिन में ही भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। बोले कैसे, मुझे भी तो बताओ 20 दिन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो ने संत जी के पास एक चिमटा था, चिमटा संत लोग रखते हैं ज्यादातर। तो वो व्यक्ति संत जी से बोला, ठीक है आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो उन संत जी ने कहा, वहां पर सामने एक बारू का ढेर लगा हुआ है, रेत का ढेर लगा हुआ था। बोले कि आज इस चिमटा को उस बारू में इतना रगड़ो कि ये साफ हो जाए, यानी चमकने लग जाए। और महाराज जी का चिमटा ऐसा था कि वो साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी वही काम दे दिया, किस चिमटे को बारू में रगड़ो, बारू से साफ करो इसको। फिर भी साफ नहीं हुआ। इसी प्रकार से महाराज जी ने 20 दिन तक चिमटे को साफ करवाया, चिमटा थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा। 21वें दिन जब उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर के या आवेश में आकर के उस चिमटे को पूरे दिन रगड़ा और जब वो चिमटा साफ हुआ तो चांदी की तरह यानी स्टील की तरह चमकने लगा। जब स्टील की तरह चमकने लगा तो उसमें उसका ही चेहरा दिखाई देने लगा। बोले महाराज इसमें तो मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है। बोले हाँ, जब इस लोहे के चिमटे में काई इसमें लगी हुई थी, बहुत गंदा था, 21 दिन तक इसकी सफाई तुमने की मन से, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए 21 दिन तक इसकी सफाई की तुमने, तब आपको अपना चेहरा दिखाई दिया। वैसे ही अगर 21 दिन तक तुम अपने मन को साफ करोगे मन से, तो देखना तुम्हारे पास भगवान एक ना एक दिन आ जाएंगे। लोग मन को साफ नहीं करते, तन को तो कर लेते हैं। कह देते हैं ना कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अरे भाई काय को मंदिर आलीशान बता रहे हो इसको,
ये मंदिर आलीशान नहीं है, ये तो आपने एक शमशान घाट बना लिया। क्या बना लिया आपने? शमशान घाट। शमशान घाट कैसे बना लिया? शमशान घाट भगवान ने तो आपके हृदय में एक प्यारा सा मंदिर बना करके भेजा था जिसमें ईश्वर को बैठाओ, लेकिन आपने उसमें किसको बैठा लिया? ज्यादातर है ना लोग, मैंने देखा है कि जो भी लोग मदरापान यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, घर में बनवाते हैं, खाते हैं, तो वो सब कहाँ जाता है? पेट के अंदर जाता है ना जब खाएंगे तब। और जब कोई मरा हुआ व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार करते हैं तो कहाँ ले जाते हैं उसको? शमशान घाट। अब कोई व्यक्ति अगर कोई मछली खाए या मुर्गा, कुछ भी ऐसी चीजें हैं वो खाए, तो जिंदा तो खाएगा नहीं, कैसे खाएगा? मार के खाएगा। तो आपने इस हृदय को क्या बना लिया? शमशान घाट। ये मंदिर तो रहा नहीं, तो आज से प्रतिज्ञा करो कि आज से, अब तक तो हमने इसको शमशान घाट बनाया है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको मंदिर हम बनाएं। अगर आपसे कहा जाए, परीक्षित महाराज, आज यज्ञपति महाराज तो दिखाई नहीं देते हमको, कहाँ रहते हैं, कौन सी दुनिया में? महाराज जी से पूछ रहे हैं हम एक बात कि महाराज जी, आप ही नहीं बल्कि सभी अपने बालों को रोज धुलते हो, शैम्पू से, साबुन से, सभी लोग धुलते हो रोज, अच्छे से तेल भी लगाते हो, कंघी भी करते हो, और जब खाना खाते समय आपका सर का बाल आपके भोजन में गिर जाए तो क्या आप वो भोजन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? कर सकते हो? नहीं कर सकते। और आप उस अंडे को खा लेते हो जिसमें एक माँ का लाल बैठा होता है, तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जब हम अपने ही सर का बाल उस भोजन में गिर जाए, वो नहीं भोजन ग्रहण कर सकते, तो जिस अंडे में एक माँ का लाल बैठा हुआ है उसको हम बहुत जल्दी सेवन कर जाते हैं। तो आज से एक प्रतिज्ञा करो सभी लोगों से, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आज से प्रतिज्ञा करो, एक साथ नहीं, धीरे 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 प्रयास करो कि हम इन चीजों से दूर हो जाए। कथा कराने का मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा खर्च किया, हमने भजन सुने, हरिश्चंद्र की कथा सुनी, प्रहलाद की कथा सुनी, राम की कथा सुनी, वो तो सभी जानते हैं। कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, कथा सुनो और अपने जीवन में उतारो, तब तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। और कथा सुनी और सब हिला के यही पांडाल में छोड़ दिया तो कुछ साथ नहीं जाएगा। जब कथा में आते हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया करो। अब आप ये सोचो कि हम आपको पैसे दे, वो तो है नहीं मेरे पास, लेकिन कुछ अच्छी बातें हम आपको दे सकते हैं। आप सोच रहे हो ना, आप कह रही हो कि कुछ ना कुछ लेके जाया करो, लेकिन कुछ अच्छी बातें ही लेके जाया करो। जिस समय महाराज परीक्षित उसे कलयुग से कहने लगे, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने इस पृथ्वी को अत्याचारों से घेर रखा है, तू बहुत ज्यादा पाप कर रहा है। पृथ्वी कहने लगी, महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में मुझे इतना कष्ट नहीं होता था जितना आज कलयुग में हो रहा है। लोग एक दूसरे से बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत बुराइयां करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि
अगर पड़ोसी अच्छे से उसका रहन सहन है तो अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन उसके सुख से बहुत दुखी है। हम लोगों को किसी को देख करके नहीं जलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो सुखी है तो उसके कुछ अच्छे कर्म होंगे इसलिए सुखी है। हम दुखी हैं इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी। महाराज परीक्षित ने कहा, अरे कलयुग मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार को निकाल लिया। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं इतना बुरा नहीं हूँ। शत्रुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे लेकिन भगवान की प्राप्ति फिर भी जल्दी से नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में मन से अगर जाप किया जाए भगवान का तो भगवान आपके सामने कब तक नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो कलयुग बोला परीक्षित महाराज से, तो महाराज हम कहाँ रहें, हम कहाँ रहें? आप मुझको यहाँ नहीं रहने दोगे तो हम कहाँ रहें? तो महाराज परीक्षित ने कहा, देखो तुम उन जगहों पर आओगे जहाँ पर लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हो वहाँ, जहाँ पर गुरु का सम्मान नहीं होता हो वहाँ रहो, जहाँ पर मदरा पान किया जाता हो वहाँ रहो, और जहाँ पर सास और बहू में झगड़ा होता हो, एक दूसरे को गाली देती हो, पति पत्नी को गाली देता हो और पत्नी पति को, आप वहाँ निवास करो। ये कलयुग के स्थान है। कलयुग को इतना स्थान बता दिया और कहा, जहाँ पर वैश्याएं निवास करती हो तुम वहां पर जाकर के निवास करो। और एक बात और कह दी महाराज परीक्षित ने कलयुग से कि तुम सोने में निवास करो। किसमें बता दिया? तुम सोने में निवास करो। अब सोना भी दो प्रकार का होता है। एक तो सोना वो हो गया जो हम सभी रात्रि में सोते हैं, विश्राम करते हैं, और एक सोना वो हो गया जो हम लोग पहनते हैं जिसे गोल्ड बोलते हैं। बोले सोने में निवास करो। और महाराज परीक्षित भी सोने का मुकुट भी धारण किए हुए थे। इधर आ जाओ भैया, आ जाओ, कोई बात नहीं, आप तो हमारे स्टाफ के हो। तो बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि जिस समय कलयुग ने सुना कि आप सोने में निवास करो, जैसे ही सोने का नाम लिया वैसे ही कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। कलयुग जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही महाराज परीक्षित की बुद्धि घूम गई। एक तो सोना वो होता है हम लोग पहनते हैं, सुनार की दुकान से बनवा के लाते हैं। अब उसमें भी दो प्रकार हो गए, एक तो मेहनत की कमाई का सोना और एक बेईमानी की कमाई का सोना। महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने हुए थे वो जरासंध का था, वो भी बेईमानी से जीता हुआ था, इसलिए कलयुग उसमें निवास कर गया। और इसीलिए आप लोगों से भी कहना है, मेहनत की कमाई का सोना पहनना और बेईमानी की कमाई हो ना छीना झपटी वाली, बाको सोनो अगर पहनो तो समझ लो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अगर सोना पहनोगे आप, अगर सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, और तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी। तो ये बताओ आप कौन से वाले चोर की नजर रखवाना चाहते हो अपने ऊपर, बोलो।
बोलो भाई, माखन चोर की या फिर ओरिजिनल वाले चोर की? माखन चोर की नजर होनी चाहिए, इसलिए सोना भी कम से कम पहनो, जितना हो सके तुलसी की माला पहनो। महाराज परीक्षित वहां से चले और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि शिकार करने के लिए आए थे तो घूमते घूमते उनको प्यास लगने लगी। सोचा बड़ा अच्छा आश्रम, सुंदर आश्रम है, समीक ऋषि जी के आश्रम में चलते हैं तो कुछ जलपान भी हो जाएगा। लेकिन समीक ऋषि जी भजन में लीन थे, आंखें बंद किए हुए बैठे थे। जिस समय उन्होंने महाराज परीक्षित ने देखा, ये तो आंखों को बंद किए हुए बैठा है, लेकिन उनके सर पर कलयुग का वास हो चुका था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मन में विचार आने लगा कि पता नहीं मुझे देख करके इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, उनको ये नहीं पता ये पहले से ही भजन में लीन थे। समीक ऋषि जी के आश्रम में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, महाराज परीक्षित ने उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया, समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उधर उनके शिष्यों ने देखा तो जाकर के उनके पुत्र यानी श्रृंगी ऋषि को जाकर के बताया कि गुरुदेव जी के गले में परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब ये बात उनके बेटे ने सुनी तो उनको बहुत क्रोध आया। अब बेटे के सामने अगर पिता का अपमान होता हुआ देखे कोई पुत्र तो बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने क्रोध में आकर के श्रृंगी ऋषि जी ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, कहा रे परीक्षित, जिस अहंकार में तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, यही सर्प यही तक्षक तुम्हें आज से सातवें दिन जीवित होकर के डसेगा। जब ये बात समीक ऋषि जी को मालूम हुई कि मेरे पुत्र ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि आज से सातवें दिन उनको तक्षक डस लेगा, महाराज परीक्षित को खबर करवा दी, बोले उनको सूचना दे दो कि आज से सातवें दिन आपकी मौत हो जाएगी। उनके शिष्यों ने जाकर के बताया कि महाराज परीक्षित आपको श्राप लग गया है, आज से सातवें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने जैसे ही अपने सर से वो सोने का मुकुट उतार के रखा, वैसे ही उनकी बुद्धि पलटी और मन में विचार करने लगे कि आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि मैंने एक संत का अपमान कर दिया। संत का अपमान अगर भूल से भी हो जाए ना तो माफी मांग लेनी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए कि हमने गलती की है। इधर महाराज परीक्षित को बड़ी चिंता होने लगी कि आज से सातवें दिन मेरी मौत हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, अगर मैंने गलत किया है तो गलत की सजा भी मुझे ही मिलेगी। गंगा के किनारे महाराज परीक्षित पहुंचे, सारा राजपाट त्याग दिया, अपना राजपाट अपने पुत्रों के हाथों में सौंप दिया। संत महात्माओं से पूछने लगे कि मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे कि सात दिन तक मैं भगवान की वो हर चर्चा सुनूं, ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। मुझे मोक्ष ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मन को शांति मिल सके। सामने से
सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। बहुत छोटी सी अवस्था है। उनके पीछे से बड़े बड़े संत भागते हुए चले आ रहे हैं। बच्चे भी भाग रहे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके बड़े बड़े ऋषि संत प्रणाम करने लगे। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि वाकई में मुझे ये भगवान के परम भक्त मालूम होते, क्यों ना इनके ही पास चल करके हम इनसे प्रार्थना करें कि मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे कि मैं सातवें दिन मरने वाला हूं तो मेरी जो शांति है, मेरे मन की जो शांति है, वो मुझे कैसे प्राप्त हो। परीक्षित महाराज सुखदेव जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि आप भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जो मुझे भगवान की प्राप्ति करा सके। भगवान की प्राप्ति ना करा सके, लेकिन मन की प्राप्ति तो करा ही सके। सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, तो उसको सिर्फ भगवान के श्री चरणों में लग जाना चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं मालूम होता है। किसी को अपने जीवन का पता नहीं कितना लंबा है और कितना छोटा है, लेकिन परीक्षित महाराज को पता चल गया था एक सप्ताह पहले। इसीलिए उन्होंने अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया। और हमें और आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन इसीलिए भगवान के श्री चरणों में हमेशा ही मन लगा रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तैयारी पहले से रखो, बैग लगा के पहले से रखो, तैयार रखो। जब कहीं जाते हैं ना, तो पहले से दो चार दिन पहले तैयारी करने लग जाते हैं कि इस कपड़े पे प्रेस नहीं है, कि ये कपड़ा ठीक नहीं है, बैग तैयार करना है। लेकिन मरने की तैयारी कोई करता है? कोई नहीं करता। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि मैं आपको भगवान की वो हर चर्चा अवश्य सुनाऊंगा। श्री सुखदेव जी मात्र 5 वर्ष के थे। सम्मान उम्र का नहीं, सम्मान ज्ञान का होता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज के सामने बैठे, बोले आप आसन लगा करके बैठ जाओ, आज से सातवें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक आपको डसेगा, तो आप जितना जल्दी हो सके भगवान के श्री चरणों में लग जाओ तो आपकी मुक्ति निश्चय ही हो जाएगी। परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, अन्न जल भी त्याग दिया, बस प्रेम के साथ भगवान की हर चर्चा रसपान करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराने लगे। बोले परीक्षित आपको अगर कथा श्रवण करनी है तो मन से कथा श्रवण करना, ताकि आपका जितना भी जीवन है वो सिर्फ श्री चरणों में, राधा रानी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही लीन रहे। बोले प्रभु मुझे अब किसी भी बात की चिंता नहीं, अब मैं सिर्फ भगवान का ही होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। संतों के रूप में ही भगवान आते हैं और बच्चों के रूप में ही भगवान आते हैं, भिखारियों के रूप में ही भगवान आते हैं,
अपने दरवाजे से कभी भी भिखारी आए, कोई मांगने वाला आए, कभी खाली हाथ वापस नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन से रूप में भगवान आपके दरवाजे पर आ जाए और आप उनसे बोल दो घर में कुछ नहीं है। जब ये बोल दोगे ना घर में कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं रहेगा, कुछ ना हो फिर भी कुछ तो होगा ही, भूसी तो होगी घर में आटे की, कि वो भी नहीं रखते। घर में से कभी भी किसी भी भिखारी को वापस नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना हो तो एक रुपया ही दे दो। महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। परीक्षित आप थोड़ा ध्यान लगा कर किस कथा को श्रवण करो। भगवान ने वो हरी चर्चाएं अब से पृथ्वी पर जो की हैं वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिस समय महाराज परीक्षित कथा श्रवण करने लगे, सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे, तो बताया कि सबसे पहले मैं आपको भगवान की वो चर्चा सुनाऊंगा जो ये पृथ्वी में जो मनुष्य रहते हैं वो नहीं थे। इस पृथ्वी पर जल ही जल था, कुछ नहीं था। तो बताते हैं किस जल के अंदर एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ, सिर्फ उस समय पर ईश्वर था। कौन था? ईश्वर। ईश्वर के ही अंश से एक बताते हैं कि जल में अंडा प्रकट हुआ। उस अंडे में बताया जाता है कि विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई।